वेलकम टू मेजर कल्छी हेल्थ केयर सेंटर अ बिग इनिशिएटिव फ्रॉम मेजर कल्छी क्लासेस हमें हमेशा से ही ये रहता है बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेरीज हमारे दिमाग में रहते हैं कि स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री फॉर्म भर लिया रिटर्न क्वालिफाई कर लिया फेज टू चाहे वो एस एस बी हो जी डी एस आर टी हो या पर्सनल इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू हो सब क्लियर आउट कर दिया बट द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज मेडिकल क्या मैं मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर पाऊंगा क्या मुझे वो सिलेक्शन मिल पाएगा अ इसके लिए हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे इनफैक्ट कुछ नहीं बस आज ऐसे ही एक टॉपिक को लेकर हम आ रहे हैं ये सीरीज है रुकेगी नहीं एक से एक डाउट्स आपके हमारे पास आते रहेंगे और हम उन्हीं डाउट्स का सोल्यूशन और ट्रीटमेंट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर देना चाहता है आपको हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाए सो लेट्स सी मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफेंस डिफेंस के कई सारे हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हैं जिसमें से आज हम एक स्टैंडर्ड पे बात करेंगे दैट इज डेंटल डेंटल में हमारे बहुत सारी क्वेरीज होती है मेरा दांत कम है मेरे दांतों में कैविटीज है मेरे दांतों में पॉस हो गया है बेड स्मेल ये सारी चीजें लेकिन सबसे बड़ा फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स तो क्या है ये फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स इसको समझने के लिए एक छोटी सी कोशिश ऑन एन ईजी वे एंड ईजी प्लेटफॉर्म 14 डेंटल पॉइंट्स आज हम अगर यहाँ देखने की कोशिश करें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे दांतों के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे दांतों में हमारे कितने प्रकार के दांत है इसमें आते हैं आपके एट इंसीजर्स, 4 फोर कैनाइंस एट प्रीमोलर्स एंड ट्वेल्व मोलर्स अलॉन्ग विद लेकिन इंसीजर्स क्या काम करते हैं यूज फॉर टेरिंग एंड वेयरिंग कैनाइंस टेयरिंग एंड वेयरिंग प्री मोलर्स एंड मोलर्स चूंग खाना चबाने के लिए काम आते हैं अब हम बात करते हैं जब हमारे पास हमें ये नॉलेज हो गया है कि हमारे पास कितने टाइप्स के दांत है तो अब हम ये पता लगाते हैं कि फोर्टीन डेंटल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं बेसिकली आप अपने मुंह को चार हिस्सों में डिवाइड करें बीच से अगर हम देखें तो हर एक दांत को एक एक पॉइंट दिया गया है ठीक है अगर एग्जाम्पल जैसे एक दो तीन चार पांच इस तरह से बीच से लेके हर एक दांत को सिंगल सिंगल एक एक पॉइंट जो आपके आखिरी लास्ट मोलर चारों जो आपके लास्ट मोलर होते हैं उसको बेसिकली दो पॉइंट दिए जाते हैं अगर लास्ट मोलर आपके डेवलप नहीं है या पार्शियल डेवलप्ड है तो उसको एक एक पॉइंट दिया जाएगा बेसिकली अगर ये देखे आपके सारे दांत मौजूद अगर आपके मुंह में है तो आप 14 डेंटल पॉइंट्स इजीली कवर कर सकते हैं 22 पॉइंट ऊपर और 22 पॉइंट नीचे के दांतों में होते हैं सो कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत ही रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट ऐसा होता है कि यू गाइज डोंट अचीव 14 डेंटल पॉइंट वरना बस कुछ चीजों का जो हम ध्यान रखेंगे ये तो मैंने बताया कि डिफेंस के डेंटल पॉइंट का क्राइटेरिया क्या है लेकिन अब ये है कि आप ऐसी कुछ चीजों का ध्यान रखें जिससे आप मेडिकल में डेंटल के लिए पॉइंट्स कम ना पाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कीप एन ओरल हाइजीन ओरल हाइजीन मतलब दिन में दो बार ब्रश यस yes, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जैसे एक लेयर, एक परत हमारे दांतों में आ जाता है जिसको निकालते हैं और दांत साफ करते हैं स्केलिंग के मदद से जिसे बोलते हैं डेंटल स्केलिंग इट इज अ वेरी बेसिक, ये बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है जो डेंटिस्ट के पास जाकर आप करवा सकते हैं एंड ये कंपल्शन इट इज मैंडेटरी ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंस वालों ने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि डिफेंस के मेडिकल से पहले आपको स्केलिंग की प्रोसेस कम्प्लीट करवा के जाना होगा तो ये मत भूलिएगा कि डिफेंस में आप मेडिकल के लिए जाए उससे पहले प्रॉपर डेंटिस्ट से अपने दातों की साफ सफाई मतलब स्केलिंग करवा कर जाए नेक्स्ट आपका होता है रीजन फॉर डेंटल मेडिकल मतलब मेडिकली आप डेंटल की वजह से अनफिट किन किन कंडीशंस में हो सकते हैं तो लेट्स टेक अ लुक इनसेपियन पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे दांतों में सिस्ट गांठ हो गई है मुंह में जबड़ों में गांठ है या फिर छोटा सा बेनाइन कैंसर है जो ये फोटोज आपको दिखाई है जैसे मुंह में अनहेल्दी और अनहाइजेनिक छाले वगैरह आपके बार बार पड़ रहे हैं तो आपको उसे डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए आपको उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए नियोप्लाज्मा जो कि बिनाइंग कैंसर होता है कभी कभी ये होता है कि मुंह में होता है हमें दर्द होता रहता है पर हम अवॉइड करते रहते हैं और फिर वो उसका एक बड़ा सा रूप ले लेता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटीज दांतों में सड़ा होना तो दैट इज नॉट अलाउड आपके सारे के सारे दांत हेल्दी होने चाहिए आपके दांतों में कोई कैविटीज या कैरीज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आता है अगर कैविटीज या कैरीज है तो तो फिलिंग से उसका ट्रीटमेंट करवाइए एंड देन यू डेफिनेटली कैन गो फॉर मेडिकल नेक्स्ट कुछ चीजें जैसे क्रॉस बाइट को लेकर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्या है क्रॉस बाइट सबसे पहले देखिए नॉर्मल हेल्दी टीथ उनको बोलते हैं कि आपके नीचे के दांत आपके ऊपर के दांत के कंपेरिटिवली थोड़ा सा माइल्ड अंदर रहे ताकि आप पूरी तरह से अपना मुंह बंद कर सके सो so, जब वो नहीं होता है ये देखिए आप फोटो और फिगर में देख सकते हैं कि ये आपका हेल्दी टीथ ऐसे कहते हैं कि ऊपर और नीचे के दांतों का जिस तरह से मुंह बंद हो रहा है तो आपका प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए अगर आपके ऊपर के दांत बाहर से है नो यू आर नॉट हेल्दी आपके अगर ओपन बाइट है दांतों में स्पेस रह रहा है तो यू आर नॉट हेल्दी आपके नीचे के दांत बाहर से है देन आल्सो ये क्रॉस बाइट की कुछ हमारे पास में फोटोज है जो आप नेट और ऑनलाइन भी देख सकते हैं तो दीज आर नॉट अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस पे ब्रेसेस लगवा सकते हैं देखिए ब्रेसेस लगवा के निकाल के वहां जाएंगे तो यू आर मेडिकली फिट लेकिन ब्रेसेस लगा के आप नहीं जा सकते हैं सो so, ध्यान रखें मेडिकल जब आपको पता ही है कि आप डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इट इज बेटर फॉर यू कि आप अपने आप को हाइजीनिक और क्लीन रखें मुंह और दांतों से भी तो पहले से ब्रेसेस लगवा दीजिए तीन महीने या छह महीने का ड्यूरेशन होता है डेंटिस्ट आपको बताएगा आप ब्रेसेस निकलवाएंगे देन यू आर डेफिनेटली फिट इन हेल्दी फॉर मेडिकल देन आपका आता है क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप वो एक एबनॉर्मल गैप होता है इन सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी मतलब डिसकंटिन्यूएशन होता है या तो आपके लिप में जिस तरह से आप फोटोज में देख सकते हैं या आपके पैलेट में दिस इज बेसिकली नॉट एंड नॉट अलाउड इन डिफेंस देन सिम्टोमेटिक टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट क्लिकिंग एंड टैगिंग जिसको टेंडरनेस होता है जिसमें ये होता है आपका माउथ पूरा प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है अगर आप बहुत ज्यादा माउथ ओपन कर रहे हैं या आप उबाजी खाने की कोशिश कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है या तो आपको चुईंग के वक्त आपके मुंह में से आवाज आ रही है ऐसा कुछ भी या फिर कट 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 आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियाँ घिस रही है ये सारी कंडीशंस में आप डेफिनेटली अनफिट हो सकते हैं मेरे ख्याल से दांतों को लेकर जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी मोस्टली ये सॉल्व हो गई होगी सिर्फ इतना है वी वॉन्ट टू बी फ्रूटफुल वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन वी वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द डिफेंस एक्सपेरियंस और मेजर कल्चर क्लासेस ने ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन द फॉर्म ऑफ मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कोई भी क्वेश्चन है तो नंबर्स बेसिकली हम लोग ने आपको अलाइन किए हुए आप कॉल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज डेफिनेटली हमसे बता सकते हैं विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप डेंटिस्ट को एक बार कंसल्ट कर सकते हैं वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू मेजर कल्छी क्लासेस मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर के साथ मैं डॉक्टर प्राची काजीवाला जय हिंद फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना तो एम के सी टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड तुरंत डाउनलोड करो एम के सी टेस्ट प्रेप ऐप फॉर हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन